एम ए एम एस सी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में आज मैं कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ और आपको एक असाइनमेंट भी देने जा रही हूँ सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट जो पहले दिए थे वो शायद कंप्लीट कर लिए होंगे लो कॉस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की लो कॉस्ट रेसिपीज़ की जो डिफरेंट ग्रुप्स में एज ग्रुप्स में मैंने रेसिपीज़ डेवलप करने के लिए आपको असाइनमेंट दिया मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कंप्लीट कर लिया होगा और जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो तो आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे और एक स्क्रैप बुक आपको तैयार करनी है और तीसरा था एजुकेशन मटेरियल डेवलप करना है न्यूट्रिशन एजुकेशन मटेरियल एक असाइनमेंट में ये दे रही हूँ जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं सेलेबस मैंने अपने सामने रखा है आप सब भी अपने सेलेबस को अपने सामने रखिए मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं देखो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं या आप ग्रेजुएशन से अब तक पढ़ती आए हैं एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं माइक्रो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से तीन होते हैं प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट और जो माइक्रो हैं उनमें मिनरल्स विटामिनस वाटर एंड राफेज ये सारे जो सातों न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड हैं ये आप लोग ग्रेजुएशन के आ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरा पढ़ के आए हैं इसलिए दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक स्पायरल बाइंडिंग कॉपी बनाइए जिसमें आप अभी घर में हैं आप फटाफट अपने नोट्स बना लीजिए उसमें करना क्या है कि एक न्यूट्रिएंट जैसे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें एक न्यूट्रिएंट को उठाइए आप बायोकेमिस्ट्री के भी चैप्टर में प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन इन सब को पढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ भी रिवीजन हो रहा है जैसे फर्स्ट चैप्टर है एटियोलॉजी फर्स्ट पॉइंट प्रिवलेंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रिवेंशन एंड थेरेपेटिक मेजर्स जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्रोटीन उठाया तो प्रोटीन के बारे में लिखोगे थोड़ा सा प्रोटीन की